स्टेज पे हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं बताता हूं आपको, देखो बीजेपी वालों ने मेरी कंप्लेंट की इलेक्शन कमीशन को, कहते हैं राहुल गांधी को चौकीदार शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए। अब मेरी क्या गलती अगर जब मैं बोलूं चौकीदार, मैं बोलूं चौकीदार, मैं बोलूं चौकीदार और बाकी जनता बोले भैया बाद में करना, तो माहौल बना है। पिछले 5 सालों में चौकीदार ने दबाकर, मतलब जितना भी पैसा चौकीदार हिंदुस्तान मध्य प्रदेश के गरीब लोगों से ले पाया उसने खींचा। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए, मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए और मोदी जी के प्यारे दोस्त अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए कर्जा, 30,000 करोड़ रुपए राफेल घोटाले में। आपसे पैसा खींच खींच कर चौकीदार ने इन 15-20 चोरों को दिया। मैंने सोचा ठीक है, 15 लाख का वायदा किया था, झूठा वायदा था। मैंने सोचा मोदी जी ने जनता के दिल में सपना डाला था, बुंदेलखंड के गरीब लोगों के दिल में सपना डाला था 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में आएगा, झूठा सपना था। मैंने सोचा मैं सच्चाई पता लगाता हूं, मैं यह पता लगाता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार बुंदेलखंड के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में अगर पैसा डालना चाहे, माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहे तो कितना डाला जा सकता है। सही किया ना मैंने, पता लगाना था। क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? आपका नाम हां, अरे जोर से बोलो भैया। हां सुनाई नहीं दे रहा मुझे, नाम क्या आपका? हां अरे भाई खैर बाद में पूछेंगे। तो मैंने कहा कि मैं पता लगाता हूं और 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को बुलाया, विद्वानों को बुलाया, कमरे में बैठाया, कहा भैया चाय पीजिए, आपके पास 3-4 महीने टाइम है, मैं 4 महीने में आपसे एक नंबर चाहता हूं। मुझसे पूछते कौन सा नंबर चाहते, मैंने बोला हिंदुस्तान के बुंदेलखंड के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में मैं पैसा डालना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए बोले थे झूठ था, मैं सच्चा नंबर जानना चाहता हूं। राहुल जी आप कितने लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहते हो, मुझसे पूछते। मैंने कहा मैं हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालना चाहता हूं। यह आपने कैसे बात की? नहीं चौंक गए, कहते हैं यह आपने कैसे बात कर दी, हिंदुस्तान में 25 करोड़ गरीब लोग हैं। मैंने उनसे कहा देखिए मैं एक को नहीं छोड़ना चाहता, बुंदेलखंड के हर गांव में मैं गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहता हूं। राहुल जी आप क्या कह रहे हैं 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में? ऐसा काम किसी सरकार ने इतिहास में नहीं किया है। मुझे बोला राहुल जी सरकार ऐसे पैसा नहीं बांटती। मैंने उनको रोका, मैंने बोला क्या बोलते हो, सरकार पैसा नहीं बांटती? सरकार पैसा नहीं बांटती तो अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए किसने दिया? क्या अमेरिका की सरकार ने दिया? नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए जापान की सरकार ने दिया? मेहुल चौकसी को क्या जर्मनी की सरकार ने दिया? ना, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी,
अनिल अंबानी, इन सबको 15 लोगों को नरेंद्र मोदी ने दिया 5,55,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करके इनको दिया। आप मुझसे कैसे कह रहे हो कि सरकार लोगों को पैसा नहीं देती, उन्होंने 15 लोगों को दिया, मैं 25 करोड़ लोगों को देना चाहता हूं, यही फर्क है। चार महीने हुए, वापस आए, वही टीम ऑफिस में आई और चिदंबरम जी ने कागज पे एक नंबर लिख दिया 72,000। मैंने कहा ये क्या है, राहुल जी आपने नंबर मांगा था, हमने नंबर आपको दिया, ये 72,000 क्या है? मैंने पूछा, कहते राहुल जी ये वो नंबर है जो हम कांग्रेस पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के बुंदेलखंड के सब गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालने जा रही है। हां 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 72,000। मैंने पूछा 72,000 कितने लोगों को, 72,000 कितने समय में? कहते हैं राहुल जी 72,000 25 करोड़ लोगों को, राहुल जी 72,000 एक साल के अंदर। कितने सालों के लिए? मैंने सवाल पूछा कितने सालों के लिए, एक साल में क्या होगा, दो साल में क्या होगा, कितने सालों के लिए? और फिर मेरे ऑफिस में दिवाली का पटाखा फोड़ा, धड़ाम से कहते हैं राहुल जी जब तक इन लोगों की आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से ज्यादा नहीं होगी तब तक इन सब के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार 72,000 रुपए साल के 3,60,000 रुपए 5 साल के डालेगी, हर महीने 6,000 रुपए। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने आपका पैसा चोरी करके आपसे पूछकर नहीं, चोरी करके हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15 लोगों को दिया है लाखों करोड़ रुपए। आपको कहा लाइन में खड़े हो, काले धन के खिलाफ लड़ाई, और ऐसी धूप में पूरे हिंदुस्तान की जनता, माताएं बहनें किसान बेरोजगार युवा सबको खड़ा कर दिया। कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपके जेब में से पूरा का पूरा पैसा निकाल दिया, खींच लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लाइन में आपके साथ अनिल अंबानी चोर खड़ा था क्या, मेहुल चौकसी चोर खड़ा था क्या, विजय माल्या चोर खड़ा था क्या? नहीं, एक भी चोर, एक भी काले धन वाला बुंदेलखंड के स्टेट बैंक के सामने, बाकी बैंक के सामने नहीं खड़ा था। मगर बुंदेलखंड के किसान बेरोजगार युवा छोटे दुकानदार माताएं बहनें खड़ी थी। अब हम न्याय योजना लाए हैं, दो मैसेज देने। पहला मैसेज नरेंद्र मोदी जी को और हिंदुस्तान के 15-20 अनिल अंबानी जैसे चोरों को, अगर नरेंद्र मोदी जी लाखों करोड़ रुपए आपको दे सकते हैं, गरीब जनता के जेब से पैसा निकालकर उधर डाल सकते हैं, तो हम अनिल अंबानी जी आपकी जेब में से पैसा निकालकर वापस इन लोगों को देने वाले हैं। और मैं एक को नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं एक को नहीं छोड़ने वाला हूं। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे झूठ बोला, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, अनिल अंबानी, मैं एक को नहीं छोड़ने वाला हूं, इनका सबका पैसा उठा उठा के आपकी जेब में डालने वाला हूं। मोदी जी ने 15 लाख का झूठ बोला, मैं आपको स्टेज से झूठ नहीं बोलने वाला हूं। मैंने कर्जा माफी की बात की थी, 2 दिन के अंदर काम शुरू हो गया था। मैं यहां आपको झूठ बोलने नहीं आया हूं, सच्चाई मैं आपको बता दूंगा, 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में नहीं डाला जा सकता है, नहीं डाला जा सकता है। मगर 3,60,000 रुपए 5 साल के अंदर डाला जा सकता है। और मैं
और कांग्रेस पार्टी इसको आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। और देखिए बुंदेलखंड में बाकी हिंदुस्तान में जबरदस्त बेरोजगारी है। बेरोजगारी क्यों हुई मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाला, आपके जेब में से पैसा निकाला, नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, जैसे ही उन्होंने आपके जेब से पैसा निकाला, वैसे ही उसी सेकंड आप लोगों ने माल खरीदना बंद किया। कोई शर्ट, कोई पैंट, कोई जूता, कोई मोबाइल फोन, आपने कहा भैया नरेंद्र मोदी ने पैसा ले लिया, हमारे जेब में पैसा नहीं है, अब हम कुछ नहीं खरीदेंगे। आपने खरीदना शुरू बंद किया। जैसे ही आपने खरीदना बंद किया, दुकानदारों ने बेचना बंद किया। जैसे ही दुकानदारों ने बेचना बंद किया, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया। जैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया, हिंदुस्तान के फैक्ट्रियों ने बुंदेलखंड के युवाओं को फैक्ट्रियों में बुलाया, कहा भैया है किधर है ये, आपकी अब इस फैक्ट्री में कोई जरूरत नहीं है, अब आप जाइए वापस बुंदेलखंड जाइए, आपको हम काम नहीं दे सकते, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट कर दी, कोई खरीद नहीं रहा है, कोई बेच नहीं रहा है, वापस जाइए, आप आज से बेरोजगार हो, खत्म। लाखों करोड़ युवा, लाखों करोड़ युवाओं को नोटबंदी ने, गब्बर सिंह टैक्स ने बेरोजगार किया, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट किया, चोट पहुंचाई। अब न्याय योजना का दूसरा लक्ष्य, पहला लक्ष्य अनिल अंबानी की जेब से पैसा निकालकर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों की जेब में डालने का, मगर दूसरा लक्ष्य और शायद उतना ही जरूरी, जैसे ही न्याय योजना का पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंचेगा, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 5 करोड़ बैंक अकाउंट में हर महीने 6,000 रुपए कटक, जनवरी 6,000, फरवरी 6,000, मार्च 6,000, दिसंबर तक 6,000, अगली जनवरी 6,000, जैसे आपकी घड़ी चलती है वैसे न्याय योजना आपको पैसा देगी। मगर सिर्फ गरीबों को नहीं मदद कर रही है न्याय योजना। जैसे ही न्याय योजना का पैसा आपके बैंक अकाउंट में, आपके जेब में पहुंचेगा, वैसे ही आप माल खरीदना शुरू करोगे, कोई शर्ट, कोई पैंट, डार्क ग्लासेस, फोन, जूता, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, हिंदुस्तान के गरीब लोग खरीदना शुरू करेंगे। जैसे ही वो खरीदना शुरू करेंगे, हिंदुस्तान के दुकानदारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे ही न्याय योजना चालू होगी, जो आपकी आज दुकान नरेंद्र मोदी चौकीदार ने बंद की है, झटके से आपकी दुकान चालू हो जाएगी, धड़ाधड़ धड़ाधड़ आप माल बेचना शुरू करोगे। जैसे ही आप माल बेचना शुरू करोगे, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां माल बनाना शुरू करेंगी। जैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां माल बनाना शुरू करेंगी, हिंदुस्तान के फैक्ट्री के मालिक एक एक करके बुंदेलखंड के युवाओं को बुलाएंगे, कहे भैया इधर आओ, क्या बात है भैया, रोजगार की जरूरत है, चलो लगो, फैक्ट्री चालू हो गई है, माल बनाना है, शर्ट बनानी है, पैंट बनाना है, जूता बनाना है, टोपी बनानी है, मेक इन इंडिया करना है, भैया न्याय योजना आ गई, और धड़ाक से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का इंजन स्टार्ट हो जाएगा। न्याय योजना भाइयों और बहनों हिंदुस्तान के इंजन को जंप स्टार्ट करने का तरीका है।